के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए। हमें आज के प्रेरणा पाथे में यह ज्ञान लेना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति का जो है मतभेद तो हो सकता है, अपनी अपनी चिंतन है, अपनी अपनी विचारधारा है, तो उन विचारधारा के अनुसार मतभेद तो हो जाते हैं, मनोभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद और मनोभेद में बहुत फर्क है। मनोभेद वाले व्यक्ति एक दूसरे से कट जाते हैं, जुड़ते नहीं हैं। मतभेद तो अपना अपना चिंतन है और जरूरी नहीं है कि मैं मेरा चिंतन हर एक माने ही, और आग्रह होना ही नहीं चाहिए। ये अनेकांत दृष्टि है कि हमने तो अपनी बात बता दी, अगले वाला उसका पालन करे या ना करे वो अगले वाले की जो है वो इच्छा है, अगले वाला उसके काम। तो इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकारी तंत्र का, सरकार तंत्र का जो विरोध जो है करना जो है वो केवल विरोध के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है गलत नीतियों पर चल रहा है या सामूहिक रूप से गलत निर्णय जो ले रहा है, और हो सकता है उस निर्णय का प्रभाव सभी पे पड़ेगा, तो उसका जो है प्रतिकार करना चाहिए और उसके साथ में जो है उससे बातचीत की जानी चाहिए। तो मतलब विरोध जो है मात्र विरोध के लिए नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा ही गलत मान के चले और उसका विरोध करती रही, जरूरी नहीं है। शासन करने वाली पार्टी है 90-95% जो है वो अच्छा कार्य करती है, 2-5% वो मजबूरी है, सबको खुश नहीं रह सकती है, तो व्यक्ति उसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। हमेशा कोई भी हमारे मंत्री, MLA, MP और जो एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं उनको जो है वो हमें अपनी समस्या बतानी चाहिए और उसका जो है समाधान लेना चाहिए।